हाय फ्रेंड्स, एकता जैन हियर। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक नया लुक लेकर आ रही हूँ, वैसे एक नहीं, आज कुछ चार पांच लुक होने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आज जो मेरा मेकअप करने वाली है मेरी फ्रेंड है रीमा। इन्होंने कुछ मेकअप का कोर्स किया, कहीं बड़े नाम से किया, क्या किया हम इनसे पूछेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूँ कि आज का जो मेरा लुक होने वाला है इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, बिकॉज हमने जो पूरी स्टडी की है इसके बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने डिसाइड करके, आज हमने ये रिसर्च करके आज का दिन हमने डिसाइड किया कि आज हम शूट करेंगे। तो पहला जो मेरा लुक होने वाला है कुछ ब्राइट, कुछ चमकीला, कुछ डेफिनेटली अलग सा होने वाला है। उसके बाद जो लुक होगा थोड़ा सा डिफरेंट, कंप्लीट टॉमबॉयश, कंप्लीट डिफरेंट। तो ये जो लुक होने वाला है उसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊँ, उससे अच्छा है कि हम रीमा से बात करते हैं। चले, हाय रीमा। दिस इज रीमा। हेलो। जैसे मैंने कहा कि इनको मैंने बहुत पहले से जानती हूँ, बहुत सारे रोल किए इन्होंने मेरी लाइफ में, और अब मेकअप आर्टिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मेरे लिए काम कर रहे हैं। सो रीमा, टेल अस अबाउट टुडेज लुक एंड अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। यस, काफी सालों पहले मैंने इन मिस एकता से मैं मिली हूँ, ठीक है, एंड शी इज अ वंडरफुल पर्सन। शी इज अ वेरी वेरी bubbly girl, you know, very energy, full of energy. कहाँ से लेके आती है मुझे आज तक नहीं पता, इसका इनका कुछ आई थिंक कुछ तो तो वो करने के बाद मैंने सीखा है डैनियल बावर, उनका एकेडमी अंधेरी में है, एक उनका एकेडमी दिल्ली में है। ही इज़ अ रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट एंड ही इज़ वर्किंग विद कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, दीपिका पाडुकोन, ए लिस्ट जितने सेलिब्रिटी है, ही इज़ वर्किंग विद हिम। ओके, सो व्हाट अबाउट माय लुक टुडे? सो लुक, लेकिन लोग क्रिएटिविटी क्या करेंगे, नो, क्रिएटिविटी करने के लिए एक तो पहले आता है, पहले मैं चश्मा उतार लूँ। माय गॉड, क्रिएटिविटी आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है। तो मैंने बोला कि लेट्स डू समथिंग जो तुम्हारे पूरे पोर्टफोलियो में किसी ने नहीं किया, ना तुमने किया है, जो होता है मोनोक्रोमिक लुक। शी इज़ अ सेलिब्रिटी, सो यू नो, फॉर मी उसको ग्लैम लुक देना है, उसको ग्लो करना चाहिए, यू नो, शी शुड हैप्पी, मुझे मेकअप करके हैप्पी होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फैशन, यू नो, फॉर मेरे लिए, तो फील कम्फर्टेबल। तो आज का लुक होता है, फर्स्ट लुक अगर हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो वो है मोनोक्रोमिक लुक। सो सेम 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 सेम, वो आगे आप देखेंगे कि सेम 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 कौन सा कलर करते हैं। एक एक चीज़ें कलरफुल होने वाली हैं, तो डिफरेंट होने वाली हैं, सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम मोनोक्रोम से स्टार्ट कर रहे हैं। Mm-hmm.
यहाँ आए हुए हैं थाना में, बाइक सूरज प्लाजा, बहुत ही सुंदर होटल है, यहाँ पर आए हुए हैं एंड इट इज़ अमेजिंग। मतलब एकदम ओपन एरिया है, इसके जो हॉल्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, बहुत सुंदर हैं और हमें यहाँ पर शूट करके बहुत मज़ा आया। ये मेरा दूसरा लुक है, मैं अपना लुक दिखाती हूँ ज़रा। यस मतलब अभी ये सीधा पांच माले पे चली गई है। सो दैट्स माय लुक, पूरा ऊपर से नीचे इतना ऊंचा हील पहना है जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही हाइटेड हो गई हूँ और मैं ज्यादा चल नहीं रही हूँ एंड मुझे बहुत पसंद आया ये लुक, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोकेशन भी बहुत अच्छा है यहाँ पे मोनोक्रोम के लिए, जो मेरा फोटोशूट का थीम है उसके लिए बहुत अच्छी लोकेशंस हैं। कारपेट आप देख सकते हैं, डेप्थ आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। सो आई एम जस्ट लविंग इट। यो यो सो रीमा, टेल मी अबाउट दिस लुक। दिस इज अ पंक लुक, यू कैन कॉल इट गॉथिक लुक, एंड दिस इज रेबेलियन लुक एंड शी इज अ रेबेल बेबी। यू आर रेबेलियन एंड यू आर द मोस्ट अमेजिंग रेबेलियन बेबी। शी इज लुकिंग हॉट, हैपनिंग एंड सुपर डुपर हॉट, सुपर डुपर पंक। सो मैंने ये लुक कभी नहीं लिया लाइफ में, ना मुझे आपने आप में से किसी ने भी इस तरह देखा रहेगा, बिकॉज दिस इज कंप्लीट न्यू लुक। सो थैंक यू वेरी मच रीमा, आई एंजॉय ऑल माय लुक्स टुडे। थैंक यू सो मच एकता, इट इज लवली 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 वर्किंग विद यू, यू नो इट इज प्लेजर, यू नो लाइक यू नो आई हैव डन मेकअप, शी इज रियली प्रीटी, हर स्किन इज रियली नाइस, हर आईब्रो इज नाइस, इज एवरीथिंग इज नाइस। सो दैट्स व्हाई इट्स टच इट टच इट टच इट टच इट टच इट, so everything is nice, please इनको follow कीजिए, मुझे follow कीजिए, इनके channel को और follow कीजिए और हमें famous कीजिए, very simple। Thank you very much guys, I enjoyed this look and I enjoyed being with you, और ऐसे ही नए नए looks आते रहेंगे, नए नए चीजें होती रहेंगी, so keep following।